मनुष्य की चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले उसे ये चीजें कितनी भी मात्रा में मिल जाए, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में ये सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए इसी समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वो उस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं, इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाए। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है? करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है? चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है? यूं समझ लो कि ये सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कुल्लू में पेरे जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता, इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि हो सकती है, ये सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन का नाश होने पर अपने पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से एक, बगुले से चार, कौवे से पांच, कुत्ते से छह और बाघ से तीन गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो, परंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को ये शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपट कर भोजन करना, ये गुण मुर्गे से सीखने चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, ये गुण कौवे से सीखने चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना, ये गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखने चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी अपने पति की आयु कम करती है। ऐसी नारियों को ये सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भरे ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है। ये मत भूलो कि जीवन अस्थाई है, इसलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदिकाल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थाई है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। ये धन, रिश्ते नाते, घर द्वार सब अस्थाई है, इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों, केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है, ये ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाले ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है।
जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तियों अथवा मंदिरों में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसे हैं। जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसा ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू में प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पी कर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए ईश्वर की पूजा करता है वही सच्चा भक्त, महापुरुष एवं सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आते हैं, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश भी कर देता है, परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य भले कितना भी सुंदर हो तथा उसका जन्म भले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो, परंतु वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हालत उस फूल के जैसे होती है जो दिखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध से वंचित है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है, सिंह वाले पशु कभी भी सिंह मारकर जख्मी कर सकते हैं, स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगा सकती है और राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत खतरनाक होती है। यह चीज लेने में और जबरदस्ती मांगने में कभी शर्म ना करें। अगर आप इन चीजों को मांगने में शर्म करते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यहाँ तक कि इन चीजों को न लेने पर आपकी ऐसी तैसी हो सकती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इन चीजों को मांगने पर शर्म करता है तो उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टि मिलती है। दोस्तों आपको बता दें, आचार्य चाणक्य के बारे में आपने सुना ही होगा। आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के लिए अपने चाणक्य नीति में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अगर किसी इंसान ने अमल कर लिया तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों ऐसे में हम आपको बताएंगे वो चीजें ऐसी कौन सी हैं जिन्हें लेने पर या हक से मांगने पर शर्म नहीं करनी चाहिए, खासकर एक पुरुष को। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, पति पत्नी का प्यार। दोस्तों शारीरिक संबंध के तौर पर किसी भी प्रेमी जोड़े को ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच सलाह मशवरा हमेशा मजबूत होना चाहिए। जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं और संबंध के दौरान घबराते हैं तो उनके बीच में कोई गैर पुरुष या गैर महिला अपनी जगह बना सकती है। इसलिए संबंधों के दौरान शर्म बिल्कुल भी न करें, बेझिझक होकर पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करें, इसी में आपकी भलाई है। नंबर दो, भोजन करते समय कभी शर्म न करें। दोस्तों चाणक्य के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को खाने में शर्म आती है वो लोग हमेशा भूखे ही सोते हैं और ये मुसीबत उनके लिए किसी बहुत बड़ी परेशानी से कम नहीं होती। दोस्तों भूखा व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है, इसलिए उसे हमेशा पेट भर खाना खाना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि भोजन में शर्म करना भोजन का अपमान माना जाता है। नंबर तीन, गुरु से ज्ञान लेते समय या किसी और से जानकारी लेते समय कभी भी शर्म ना करें। दोस्तों आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने गुरु से ज्ञान लेते समय कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान लेते समय शर्म करता है उसका ज्ञान हमेशा अधूरा रह जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान आपकी सबसे बड़ी हार होती है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर चार की, जो की है उधार का पैसा। दोस्तों आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दिया हुआ धन हमेशा मांगना चाहिए और जो व्यक्ति अपना ही पैसा मांगने में शर्म करता है वो कभी धनी हो ही नहीं सकता। ऐसे में आप पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए उधार के पैसे मांगने में कभी भी शर्म ना करें, क्योंकि दोस्तों वो आपका पैसा है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ये सलाह देते हैं कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।